हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पवन बाग एकेडमी और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराठी। दोस्तों, आज हम आगे बढ़ने वाले हैं एनिमल्स ये 2.1 यूनिट ये जो कविता है इसके इंग्लिश वर्कशॉप के साथ में, ठीक है। पर इससे पहले कि हम वर्कशॉप के साथ आगे बढ़े, ये जो पोएम कल हमने देखी थी उसको एक बार फिर से संक्षिप्त में मैं दोहराना चाहूंगा कि ये पोएम है क्या असल में। वो कवि कह रहे हैं कि मैं इसमें हिंदी में पहले पूरी से एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि कवि कहते हैं कि भाई मुझे भी प्राणी बनकर के उनमें रहना ज्यादा पसंद है क्योंकि वो बहुत ही शांत है और बहुत ही स्वावलंबी है, किसी और पर वो कभी भी निर्भर नहीं होते हैं और मैं उनके सामने खड़ा होकर के उनकी तरफ उनको देखता हूँ, उनको निहारता हूँ और मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो इस धरती पर कभी अपनी जो परिस्थिति है उसके बारे में किसी को बात करते हुए कभी वो रोए हैं या फिर कभी उन्होंने उसकी शिकायत की है। वो कभी भी रात में सोने के समय आंखें खुली रख करके अपने पापों के बारे में विचार करके रोते नहीं है और वो कभी भी किसी को ये समझाते हुए नहीं पाए जाते हैं कि आपकी भगवान के प्रति, आपकी प्रभु के प्रति, ईश्वर के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी है, ऐसा कभी भी उसमें से कोई भी एक दूसरे को नहीं बताता है। नॉट वन इज डिमेंटेड विथ मैनी ऑफ ओनिंग थिंग्स, और उनमें से किसी भी एक को, किसी भी चीज को पाने का लालच कभी भी उनमें दिखाई नहीं देता है। उनमें कोई भी बहुत ज्यादा आदरणीय, कोई भी बेइज्जत है ऐसा कभी भी मुझे नहीं लगा है। सारे लोग, सारे प्राणी एक दूसरे से बिल्कुल सामान्य सा व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के साथ वो एक दूसरे जैसा ही, सामान्य जैसा ही व्यवहार उनका होता है। मुझे लगता है ये जो सारे गुण है ये मुझ में भी है और पता नहीं क्या ये सारे गुण मैंने इस रास्ते से सालों, वर्षों पहले या फिर सदियों पहले यहीं से गुजरते हुए ये सारे गुण मैंने यहीं पर छोड़ दिए थे और वो उन्होंने उठा लिए हैं, क्या ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की बात वो कहते, अब सालों पहले मैंने छोड़े हैं मतलब हमारे पूर्वजों ने, मतलब क्या कि जो पहले इंसान थे, मतलब बहुत सालों पहले, सदियों पहले जो इंसान थे वो भी इन्हीं की तरह कोई अपेक्षा आशा नहीं रखते हुए, कोई लालच न करते हुए, आराम से किसी से किसी चीज की अपेक्षा न करते हुए जीवन जी रहा था। पर जैसे जैसे समय बदला, इंसानों के फितरत में, इंसानों के स्वभाव में, इंसानों के बर्ताव में बदलाव होता गया और उसी से ये आज का इंसान बना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वर्कशॉप के साथ। मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विथ कॉलम बी, है ना। ए में जो कुछ वर्ड्स दिए हैं और बी में शायद उनके मीनिंग्स दिए हुए हैं, तो ये बात हम यहाँ पर लिखते हैं। वाइन, कल मैंने आपको बताया था उसका मीनिंग क्या होता है और उसका है कंप्लेन इन एन अनोइंग वे, बी उसका आंसर है बी, कंप्लेन इन एन अनोइंग वे, मतलब शिकायत करना, रोते हुए शिकायत करना। सिन, सिन का मतलब होता है पाप, है ना। तो इसका आंसर है एन ऑफेंस अगेंस्ट रिलीजियस और मॉरल लॉज, है ना, मतलब धार्मिक या नैतिक जो नियम होते हैं उनके खिलाफ बर्ताव करना, उसको कहते हैं पाप, सिन, है ना। उसके बाद में एविन, एविन, एविन का मतलब होता है टू शो, मतलब ये है ई, है ना, टू शो, दर्शाना, प्रदर्शित करना, ठीक है। नंबर चार मैनिया, मैनिया का मतलब होता है मेंटल इलनेस, सी, ठीक है। और आखिर में नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट, डी, फेलिंग टू टेक प्रॉपर केयर, और ये है डी, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे शब्द हैं। वाइन का मतलब होता है रोते हुए शिकायत करना, पाप का मतलब होता है
मैं इसका पूरे पूरे हिंदी में आपको इसका मीनिंग समझा रहा हूँ। पाप का मतलब होता है नैतिक या जिसे हम धार्मिक नियम कहते हैं उनके खिलाफ बर्ताव करना। एविन का मतलब शो, दिखाना, दर्शाना। मैनिया का मतलब होता है मेंटल इलनेस, मतलब मानसिक बीमारी। और नेग्लिजेंट मतलब किसी चीज को अनदेखा कर देना या किसी चीज की ठीक से क्या कहते हैं उसका देखभाल न करना, है ना, नेग्लिजेंट। चलो दूसरा सवाल अब हम लेते हैं, और दूसरा जो सवाल है, फाइंड एडजेक्टिव्स फ्रॉम द पोएम व्हिच रेफर टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंकिंग। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव को यहां पर मैं पॉजिटिव करता हूं, नेगेटिव को यहां पर हम लिखेंगे। ऐसे कविता से हमको ऐसे एडजेक्टिव्स, ऐसे विशेषण ढूंढने हैं जो नकारात्मक गुण, जिसको हम दुर्गुण कह सकते हैं और कुछ सद्गुण भी कह सकते हैं, ऐसे निकालने हैं। पॉजिटिव में क्या है, देखिए, प्लासिड मतलब अपनी भावनाओं पर बहुत ज्यादा क्या करना, कंट्रोल करना, उसको हम प्लासिड कहते हैं। सेल्फ कंट्रोल्ड, है ना, फिर से वही सेल्फ कंट्रोल, मतलब किसी भी परिस्थिति में शांत रहने का जो गुण होता है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। सेल्फ कंट्रोल मतलब अपनी भावनाओं पर काबू रखना। रिस्पेक्टेबल मतलब आदरणीय, है ना, आदर के पात्र। अब ये जो नेगेटिव है उनमें क्या है, मैनिया, है ना, मतलब ये मेंटल इलनेस है, मानसिक बीमारी। ठीक है, डिमेंटेड, डिमेंटेड मतलब, डिमेंटेड का मतलब क्या होता है कि पागलपन, है ना। और एविंस, एविंस मतलब शो ऑफ, एविंस मतलब दिखाना, है ना, दर्शाना, दिखाने की कोशिश करना कि भाई मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, इस तरह से दिखाने की कोशिश करना, ये कहते हैं एविंस। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ। और जो अगला सवाल है वो अगला सवाल हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं उनको पूरा करने का वो टास्क है। तो इसमें हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, है ना, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग, द पोएट विशेस ही कुड गो, है ना, द पोएट विशेस ही कुड गो एंड लिव विथ एनिमल्स। ठीक है, गो एंड लिव, ही कुड गो एंड लिव, द पोएट विशेस ही कुड गो एंड लिव विथ एनिमल्स। अभी जो दिया गया है वो मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं, जो नहीं दिया गया है मतलब बैंक में जो कुछ भरना है वो मैं यहाँ पर आपको दे रहा। एनिमल्स डू नॉट कंप्लेन अबाउट, है ना, देयर कंडीशन। वो जो जो कोई भी परिस्थिति में हो, जिस किसी भी परिस्थिति में वो हो, उसके बारे में वो कभी भी शिकायत नहीं करते हैं। ठीक है, एनिमल्स डू नॉट मियरली डिस्कस देयर ड्यूटी टू गॉड, है ना, कि भगवान के प्रति भी उनके कुछ कर्तव्य है, ऐसा वो कभी भी एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। एनिमल्स आर नॉट क्रेजी अबाउट ओनिंग थिंग्स, है ना, किसी चीज को पाने के लिए वो पागल नहीं है, है ना, मानसिक तौर पर वो इतने बीमार भी नहीं है किसी चीज के ही पीछे वो पड़ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल है तीसरा, और तीसरा सवाल है ट्रू और फॉल्स। इसमें कुछ वाक्य हमें दिए गए हैं जो कविता से लिए गए हैं, अब हमें बताना है कि क्या दिए गए वाक्य कविता के अनुसार सत्य है या झूठ है, है ना। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। चलिए पहला सवाल नहीं लिख, मैं इसमें वाक्य नहीं लिखूंगा, सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिखूंगा। Animals are self-reliant. प्राणी आत्मनिर्भर है। Animals quarrel for their possessions. वो एक दूसरे से अपनी चीजों के लिए झगड़ा करते हैं। तीसरा, Animals do not worship other animals.
वो एक दूसरे की पूजा नहीं करते हैं, किसी को भी बहुत ज्यादा सम्मान या किसी का बहुत ज्यादा आदर वो नहीं करते हैं, या किसी को बेइज्जत भी वो करने की कोशिश नहीं करते। ह्यूमंस हैव गिवन अप मेनी गुड क्वालिटीज। ये बहुत सबसे बढ़िया सवाल है कि इंसानों ने, मनुष्य ने अपने जो कुछ भी अच्छे गुण थे वो खो दिए हैं, कुछ अच्छे गुण उन्होंने खो दिए। आज भी कुछ अच्छे गुण उनमें मौजूद है, पर बहुत सारे अच्छे गुण उन्होंने खो दिए हैं। दे लॉस्ट गिवन अप, है ना, मतलब लॉस्ट नहीं, मतलब वो खो नहीं गई है, तो उन्होंने छोड़ दी है ना। एनिमल्स सफर ह्यूमिलिएशन, है ना, वो बेइज्जती उनको सहन करनी होती है एनिमल्स को, ये फॉल्स है, क्योंकि उसमें कोई बेइज्जती वगैरह किसी को नहीं की जाती है। द पोएट हैज रिटेन्ड ऑल हिज नेचुरल वर्चुज, है ना, कवि कहता है कि मेरे अंदर वो सारे के सारे टोकन्स है, वो सारे के सारे सद्गुण है जो प्राणियों में दिखते हैं। तो इसका मतलब मुझ में है, मेरे पूर्वजों में भी थे, पर बहुत सारे लोगों ने अभी छोड़ दिए हैं, इस तरह से वो बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे चौथे सवाल के साथ, है ना। चलिए अब देखिए इस कविता में कवि जो कुछ भी कह रहा है, कवि जो कुछ भी कहने कहने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें से हमें एक बात समझनी चाहिए कि ये कविता जो उन्होंने लिखी है वो मात्र एक उद्देश्य से लिखी होगी, या उद्देश्य कुछ भी हो, पर उसमें से एक सीख हमें मिलती है, और वो है कि इंसानों को चीजों के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, इंसानों को ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे इंसान एक ही समान है ना, सारे के सारे। पर अब क्या हुआ है दुनिया में, जो ज्यादा पैसे वाला है, जो किसी पद पर आसीन है, उस उन लोगों को बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है, उन लोगों की पूजा की जाती है, और जो लोग गरीब है, जिनको जो लोग मेहनती भी है पर गरीब है, उनको कोई इज्जत नहीं मिलती है, ऐसा आजकल दुनिया में देखा जाता है। तो ये वो कहना चाह रहे हैं। देखिए कवि ने ये जो कविता लिखी है, ये कम से कम साल 200 एक साल 100 125 साल पहले लिखी है। अब उस जमाने में भी, मतलब उस समय भी यही हुआ करता था, उसके पहले भी यही हुआ करता था कि जो लोग पावरफुल है, जिनके हाथ में ताकत है, ताकत मतलब सिर्फ शक्तिशाली नहीं, तो ताकत का मतलब होता है पैसे की ताकत, पद की ताकत, ये जो ताकतवर लोग होते हैं, शक्तिशाली लोग जो होते हैं, वो हमेशा से ही इस दुनिया पर राज करते आए हैं। ठीक है, अब अगर वो लोग राज करते आए हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो लोग उनसे कमतर है, जो लोग उनसे थोड़े से कमजोर है, उन लोगों के बीच में उनका बहुत सम्मान होता है। वो लोग जो शक्तिशाली होते हैं, उनका ये जो कमजोर लोग होते हैं, वो हमेशा से ही उनसे डरे रहते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको इज्जत देने की कोशिश करते हैं, ताकि उनको कोई उससे तकलीफ ना हो या फिर उसका उनका फायदा हो। ये दोनों चीजों की वजह से वो इस तरह से उनका बदलाव उनकी तरफ बदलता हुआ देखा जाता है। विद द हेल्प ऑफ द पोएम फाइंड डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। अब देखिए ये चौथा जो सवाल है वो हमें पूछ रहा है कि एनिमल्स और ह्यूमंस में क्या फर्क है ना, दोनों में क्या फर्क है, कि एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में क्या फर्क है, तो इनमें दोनों में क्या फर्क है, ऐसा हमें पूछा जा रहा है। तो इसमें सबसे पहली कंडीशन क्या है यहाँ पर जो दिया गया है, ऑलवेज कंप्लेन एंड अबाउट देयर कंडीशन, नेवर कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशन। ठीक है, मतलब ह्यूमंस जो है, मनुष्य जो है, वो अपने स्थिति के बारे में हमेशा से ही रो रो करके शिकायत करते हैं, प्राणी बिल्कुल भी वैसा नहीं करते। प्राणी आत्मनिर्भर है, मनुष्य आत्मनिर्भर नहीं है। प्राणी शांत है, प्राणी क्या कह सकते हैं, धैर्य उनमें है, इंसानों में नहीं है। परिस्थितियां उनको कभी मजबूर कर देती है ना। प्राणी कभी भी भगवान के प्रति उनके कर्तव्यों का कर्तव्य के बारे में बात नहीं करते हैं, इंसान बहुत बात करते हैं। प्राणियों में कभी भी ये मानसिक बीमारी नहीं देखी जाती कि वो किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं और उसको पाने की कोशिश करते हैं, इंसानों में ये हमेशा से ही पाए जाने वाला एक दुर्गुण है, बहुत बड़ा दुर्गुण है। इंसानों में
एक दूसरे की इज्जत की जाती है, एक दूसरे की पूजा की जाती है, प्राणियों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाता। तो ये एनिमल्स डोंट रिस्पेक्ट, देयर इज नो वन रिस्पेक्टेबल, बट इन ह्यूमंस पीपल, सम पीपल आर रिस्पेक्टेबल, सम पीपल आर नॉट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रीड द टेक्स्ट अगेन एंड कंप्लीट द वेब, हाइलाइटिंग द गुड क्वालिटीज और हैबिट्स व्हिच वी कैन लर्न फ्रॉम एनिमल्स। और ये पांचवा सवाल है। अब पांचवे सवाल में हमको क्या दिया गया है, यहाँ पर हमको दी गई है कि जो गुड क्वालिटीज है ना, जो गुड क्वालिटीज है इंसान, जो प्राणियों में पाई जाती है, वो सारी गुड क्वालिटीज मनुष्य भी सीख सकते हैं। तो ऐसी गुड क्वालिटीज कौन कौन सी है, जो एक दी गई है, दे आर प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड, दे आर प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। ठीक है, वो बहुत ही क्या कहते हैं, आत्मनिर्भर है, और वो बहुत ही शांत और धैर्यवान है। ठीक है, उसके बाद में नेवर कंप्लेन, है ना, कि कभी भी शिकायत मत करो, जो भी है उसको जीने की कोशिश करो, शिकायत कभी भी मत करो। ठीक है, ट्रीट एवरीवन इक्वली, है ना, प्राणी सभी को एक समान मानते हैं। तो हमें भी वो सीखना चाहिए कि हमें भी एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, या फिर इज्जत के बजाय हम क्या कहते हैं कि भले ही वो पैसे वाला हो, पद वाला हो, किसी तरह का इंसान हो, उसको एक जैसी ही बर्ताव से हमें उसको ट्रीट करना चाहिए, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पैसे वाला है तो उसको ज्यादा इज्जत देनी चाहिए, ऐसा नहीं, सभी को एक समान हमें समझना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हमें डू नॉट रन आफ्टर थिंग्स, है ना, मतलब चीजें पाने की होड़ हमें नहीं करनी चाहिए, चीजें पाने की दौड़ में हमें शामिल नहीं होना चाहिए, हमें हमारा जीवन ज्यादा हमारे जीवन को जीने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण महत्व देना चाहिए, जीवन जीने में ज्यादा हमें सबसे महत्वपूर्ण इस जीवन में अगर कुछ है तो वो है हमारी हमारा अपना जीवन, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, चीजें जीवन में महत्वपूर्ण नहीं होती है, चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, ऐसा, डू नॉट रन आफ्टर थिंग्स, है ना, चीजों के पीछे मत भागिए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है, है ना। शो ऑफ, डू नॉट एविंस, एविंस मतलब शो ऑफ करना, है ना, मतलब दिखाते हैं ना। देखिए वो एक कहानी है, शायद आपने कभी सुनी भी होगी, कि एक एक औरत को उसका पति एक सोने की अंगूठी बना करके लाता है, और सोने की अंगूठी जब वो अपने हाथ में, अपने चूड़ियां, सोने की चूड़िया और अंगूठी हाथ में पहनकर वो आती है, उसे वो बनाई जाती है, उसके पति उसको बनाता है, तो फिर वो औरत क्या करती है, सभी को ऐसे दिखाने की कोशिश करती है, देखो मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, इस तरह से वो हाथ हिला हिला करके उनको दिखाने की कोशिश करती है, पर किसी का भी उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है, या फिर किसी ने भी उसको उसके बारे में नहीं पूछा है। आखिर में वो क्या कर देती है, अपना घर ही जला देती है, घर को आग लगा देती है, और फिर जब लोग पानी लाकर उसको बुझाने की कोशिश करते हैं आग को, तो वो भी ऐसे ऐसे हाथ आगे आगे करके लोगों को बताती है, अरे इधर डालो पानी, उधर डालो पानी, इस तरह से वो हाथ से दर्शाती है कि पानी यहाँ पर डालो, वहां पर डालो। तो ऐसे में किसी एक औरत का ध्यान उसकी चूड़ियों पर और उसकी अंगूठी पर जाता है, और वो पूछ बैठती है, अरे तूने ये चूड़िया कब बनवाई। तो फिर उसे इतना बुरा लगता है, तो वो कहती है कि भाई अगर तुम ये आग लगाने से पहले पूछती तो मैं कम से कम आग को नहीं लगाती, अपना घर को नहीं जलाती, पहले पूछ लेना चाहिए था। तो इस तरह से इंसान को देखिए, इंसान की एक जो गुण होता है, उसमें वो सिर्फ चीजों को पाकर के संतुष्ट नहीं होता है,
ठीक है, ये क्यों ऐसा कहा जाता है कि डोंट रन आफ्टर थिंग्स, ऐसा क्यों कहा जाता होगा, क्या आप बता सकते हो? देखिए, ऐसा इसलिए कहा जाता है कि चीजों को पाकर हम संतुष्ट नहीं हो जाते, क्योंकि चीजों को पाने के बाद हम इस होड़ में लग जाते हैं कि वो लोगों को दिखाई दे, या फिर हम वो लोगों को उसको शो ऑफ करें, उसको दिखाए लोगों को, देखो मेरे पास भी ये चीज है। और फिर जब तक वो लोग देखेंगे नहीं और जब तक लोग आपको उसके बारे में बात नहीं करेंगे, तब तक आपको समाधान संतुष्टि नहीं मिलती है। मतलब आप क्या, फिर वो चीज दिखाने के बाद भी अगर लोग आपसे नहीं पूछेंगे कि भाई ये चीज आपने कब ली, या फिर ये चीज आपने कब खरीदी, या फिर ये चीज आपके पास कब आई, ऐसा अगर जब तक नहीं पूछेंगे तब तक आपको समाधान नहीं मिलता है, आपको संतुष्टि नहीं मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि डू नॉट रन आफ्टर थिंग्स, है ना। मतलब कभी भी शो ऑफ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपके पास जो है उसको, आपके पास वो है ना। अगर देखो आपके पास अगर कोई चीज है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो लोगों को दिखाने के बाद ही उसको आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, अच्छे तरीके से उसका उपयोग कर सकते हो। आपके पास मोबाइल फोन है, बहुत अच्छा है, आईफोन है, अगर आपके पास आईफोन है तो उसका उपयोग आप लोगों को ना दिखाते हुए भी कर सकते हो, है ना, उस तरह से भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि उसको आपको हर बार ऐसा करके लोगों को दिखाना जरूरी थोड़ी है। उसको आप लोगों को नहीं भी दिखाओगे तो भी वो उतने ही अच्छे से काम करेगा, उतने ही फंक्शंस उसके अंदर काम करेंगे, है ना। तो इसलिए लोगों को दिखाने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि अभी लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। हमें लगता है एक दो लोग हमसे पूछ लेंगे कि भाई ये कब खरीदा है, वो कब खरीदा, पर उससे फर्क क्या पड़ने वाला है आपके जीवन में, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए कहा जाता है कि चीजों के पीछे मत भागो, और जब वो चीजें मिल जाए, अगर अभी ले आप चीजें, तो उसको किसी को शो ऑफ, मतलब दिखावे के तौर पर उसको इस्तेमाल मत करो, क्योंकि इस दुनिया में किसी को किसी की कुछ नहीं पड़ी है ना। हर एक को अपने जीवन के बारे में ही सोचना है। मेरे पास अगर आईफोन है तो उसका फायदा अगले को क्या है, कुछ भी नहीं है। आईफोन तो मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं उसका उपयोग कर रहा हूँ, उसको उसका क्या फायदा है, उसको कुछ भी फायदा नहीं। वो तो सोचेगा कि मुझे भी आईफोन चाहिए, फिर वो भी उसी दौड़ में लग जाएगा, है ना। तो उसको उसका फायदा कुछ भी नहीं है। तो आप अपनी चीजें दो लोगों को दिखा करके उससे कुछ भी हासिल नहीं कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि डू नॉट एवेंज, ठीक है, डू नॉट सरमनाइज, मतलब किसी को भी आप सत्संग में जैसे भाषण देते ना कि ये करो, भगवान की पूजा करो, अर्चना करो, ऐसा, तो यहाँ पर किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। जो इंसान, हर एक इंसान अपना मस्तिष्क, अपना जो ब्रेन होता है वो लेकर के पैदा होता है, और हर एक को सोचने की कुवत है, हर एक में सोचने की कुवत है, ठीक है। देखिए, ना इंसान कभी फिल्मों से बिगड़ा है और ना ही कभी सत्संग से सुधरा है, ठीक है, ये बात जान लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर इसीलिए वो कहा जाता है कि किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने दिमाग से कुछ सोच सकता है, वो सोचेगा, वो करेगा, उसका है ना। उसके बाद में अपने पापों के बारे में सोचकर, है ना, डू नॉट क्राई फॉर योर सिंस, है ना। सोच करके क्या मतलब है, अब आप सो करके उठोगे, सोते समय अगर उसके बारे में सोचोगे क्या रही है, मैंने बहुत बुरा किया, तो अगली बार मत करो। पर उसके बारे में सोच करके अभी आपकी नींद खराब करके क्या मतलब, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीजें जो है कि हम प्राणियों से सीख सकते हैं, ये जो अच्छी क्वालिटीज है ये प्राणियों से हम सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते, आगे है फिगर्स ऑफ स्पीच। चलिए फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में देखते हैं क्या क्या है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच दिए गए हैं और उनकी कुछ लाइनें हमें यहाँ पर ढूंढनी है। अब रिपीटेशन की क्या लाइनें हैं, रिपीटेशन की लाइनें हैं ये देखो, ये आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, लॉन्ग एंड लॉन्ग, ये जो शब्द है लॉन्ग एंड लॉन्ग, ये है रिपीटेशन। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन है
अलिट्रेशन की लाइनें हैं डिस्कसिंग देयर ड्यूटी, मेक मी सिक, है ना, मेक मी सिक, डिस्कसिंग देयर ड्यूटी, ये जो लाइनें हैं, क्योंकि उसमें म म स स ऐसे शब्द, ऐसे उच्चार उस पे ये हुए हैं। और हाइपरबली का एग्जाम्पल है, नॉट वन, है ना, इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, एक भी प्राणी, मतलब ये थोड़ा सा हम क्या कह सकते हैं इसको, इसको हम कह सकते हैं अतिशोक्ति है, ये अतिशोक्ति है कि पृथ्वी पर कोई भी प्राणी दुखी नहीं है, ऐसा कहना जरा थोड़ी अतिशोक्ति होगी, ऐसा यहाँ पर हम कह सकते हैं, इसलिए वो हाइपरबली है। अब इसमें से ही देखो, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, फिर से वही रिपीटिशन है, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, स्वेट एंड वाइन, है ना, मतलब ये अपने कंडीशन के बारे में रोने की जो आदत होती है वो किसकी है, इंसानों की है, और वही प्राणियों को दी जा रही है, तो उसको हम कहेंगे परसोनिफिकेशन, मतलब मानवीय भावना या मानवीय गुण वो इसको प्रदान किया गया है, ठीक है। उसके बाद में दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, एलिट्रेशन, डिस्कसिंग देयर ड्यूटी, है ना, मेक मी, ये एलिट्रेशन है। उसके बाद नॉट वन इज डिमेंटेड विथ मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, डिमेंटेड विथ मैनिया, ये मेटाफर है, दे ब्रिंग मी टोकन्स, टोकन्स को क्या है, टोकन किसे कहा जाता है, टोकन कहा गया है अच्छे गुणों को, सद्गुणों को टोकन कहा गया है, तो ये मेटाफर है। और नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, ये मैंने जैसे आपसे पहले ही कहा है, ये हाइपरबली का उदाहरण है। तो इस तरह से आज हमने ये वर्कशॉप जो है इस पोएम की, ये कंप्लीट कर ली है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और पवन बाग अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसे नए नए वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।